हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, 3 years, 1 year और 10 years। द मेंबर ऑफ PCI विल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ, तो ये होता है 5 years, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। द मेंबर ऑफ PCI विल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। एंड द मेंबर्स ऑफ DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होल्ड द ऑफिस फॉर 3 years। PCI मेंबर्स विल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years एंड DTAB मेंबर्स विल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। अभी आप मुझे बताएंगे DTAB में, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं? तो इसमें टोटल होते हैं 18 मेंबर्स। इसमें 8 होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, 5 होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर एंड 5 होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। ये टोटल होते हैं 18 मेंबर्स इन ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB। एंड DTAB इज कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। DTAB इज कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ DTAB इज प्रेसिडेंट PCI, ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया, स्टेट ड्रग कंट्रोलर, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज। तो कौन होता है चेयरमैन ऑफ DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड? तो ये होता है डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, मेंबर्स ऑफ DTAB होल्ड द ऑफिस फॉर 3 years, देन DTAB में टोटल मेंबर्स होते हैं 18, 5 होते हैं नॉमिनेटेड, 5 होते हैं इलेक्टेड, 8 होते हैं एक्स ऑफिशियो, देन DTAB इज कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायनेकोमास्टिया कैन ऑकर एज ए साइड इफेक्ट ऑफ ब्रोमोक्रिप्टिन, सिमेटिडिन, फेमोटिडिन, लिवोडोपा। गायनेकोमास्टिया कैन ऑकर एज ए साइड इफेक्ट ऑफ, तो किसका साइड इफेक्ट होता है गायनेकोमास्टिया? तो ये होता है साइड इफेक्ट ऑफ सिमेटिडिन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिमेटिडिन का साइड इफेक्ट होता है गायनेकोमास्टिया, और ये सिमेटिडिन होता है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है सिमेटिडिन। एंड गायनेकोमास्टिया कैन ऑकर एज ए साइड इफेक्ट ऑफ सिमेटिडिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकॉर्ड्स ऑफ होलसेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिजर्व फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year, 2 years, 3 years और 4 years। द रिकॉर्ड्स ऑफ होलसेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिजर्व फॉर ए पीरियड ऑफ, तो इसे प्रिजर्व किया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 3 साल के लिए प्रिजर्व किया जाता है रिकॉर्ड ऑफ होलसेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स, ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे कौन सा फॉर्म नंबर होता है फॉर द होलसेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स। होलसेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स के लिए कौन सा फॉर्म नंबर होता है? तो इसके लिए होता है फॉर्म नंबर 21B। एंड कौन सा फॉर्म नंबर होता है फॉर द रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स? लाइसेंस फॉर द रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 इज गिवन इन फॉर्म नंबर, तो रिटेल सेल के लिए होता है 21 एंड होलसेल के लिए होता है 21B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हीलिंग डुओडेनल अल्सर द यूजुअल ड्यूरेशन ऑफ H2 ब्लॉकर थेरेपी इज 4 weeks, 6 weeks, 8 weeks और 12 weeks। फॉर हीलिंग डुओडेनल अल्सर द यूजुअल ड्यूरेशन ऑफ H2 ब्लॉकर थेरेपी, तो ये हो जाएगा 8 वीक्स, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 8 वीक्स के लिए देते हैं H2 ब्लॉकर थेरेपी फॉर द हीलिंग ऑफ डुओडेनल अल्सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चर ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड इन टू इंडिया ओनली अंडर द ऑथोराइजेशन ऑफ कस्टम्स कलेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, नार्कोटिक कमिश्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट। मैन्युफैक्चर ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड इन टू इंडिया ओनली अंडर द ऑथोराइजेशन ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कस्टम कलेक्टर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कस्टम कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटीमाइक्रोबियल विच एक्ट्स बाय इंटरफेयरिंग विद DNA फंक्शन इन द बैक्टेरिया। क्लोराम्फेनिकॉल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वैनकोमाइसिन। एंटीमाइक्रोबियल विच एक्ट्स बाय इंटरफेयरिंग विद DNA फंक्शन इन द बैक्टेरिया, तो ये होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक्ट्स बाय इंटरफेयरिंग विद DNA फंक्शन इन द बैक्टेरिया। सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है DNA गायरेज इनहिबिटर, इट इनहिबिट्स DNA गायरेज इन बैक्टेरिया।
एंड ए सिप्रोफ्लोक्सासिन होता है फ्लोरोक्विनोलोन, फ्लोरोक्विनोलोन होता है सिप्रोफ्लोक्सासिन, और ये डीएनए गायरेज इनिबिटर होता है, इट इनिबिट्स डीएनए गायरेज इन बैक्टीरिया। देन अभी आप मुझे बताएंगे यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस, तो ये भी होता है सिप्रोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देन चिल्ड्रन में ये कार्टिलेज डैमेज कॉज कराता है। देन कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ में इसे अवॉइड किया जाता है बिकॉज इट इंटरैक्ट्स विद कैल्शियम एंड कैल्शियम कैन रिड्यूस इट्स एब्जॉर्प्शन, इसलिए इसे कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ में अवॉइड किया जाता है। ठीक है, सिप्रोफ्लोक्सासिन के बारे में ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन एक क्लोराम्फेनिकॉल होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफॉइड, टाइफॉइड में ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोराम्फेनिकॉल, टाइफॉइड में ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोराम्फेनिकॉल। देन एक ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज कराता है, क्लोराम्फेनिकॉल का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम, और इसे अवॉइड किया जाता है न्यूबॉर्न्स में, क्लोराम्फेनिकॉल शुड बी अवॉइडेड इन न्यूबॉर्न्स। देन एक क्लोराम्फेनिकॉल होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है क्लोराम्फेनिकॉल, और ये होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, क्लोराम्फेनिकॉल होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, देन ये स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है। देन ये ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। देन प्रेगनेंसी में इसे अवॉइड करते हैं, इट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन ये वैनकोमाइसिन कॉज कराता है रेड मैन सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम्स फ्रॉम द रजिस्टर कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ द PCI, रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल, एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, नन ऑफ द अबव। नेम्स फ्रॉम द रजिस्टर कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ द, तो नेम्स फ्रॉम द रजिस्टर कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई सीलिंग डायुरेटिक इज क्लोरथायजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, मैनिटॉल, फ्यूरोसेमाइड, कौन सा होता है हाई सीलिंग डायुरेटिक, तो हाई सीलिंग डायुरेटिक में आता है फ्यूरोसेमाइड, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड फ्यूरोसेमाइड एक्ट्स ऑन लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करता है फ्यूरोसेमाइड, और ये फ्यूरोसेमाइड कॉज कराता है ओटोटॉक्सिसिटी एंड डिफनेस, ओटोटॉक्सिसिटी एंड डिफनेस कॉज्ड बाय फ्यूरोसेमाइड। ठीक है, देन ए क्लोरथायजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड ये आते हैं थायजाइड डायुरेटिक्स में, मैनिटॉल होता है ऑस्मोटिक डायुरेटिक। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइजोक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइजोक्साइड, इनमें से किसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइजोक्साइड, तो ये होता है क्लोरथायजाइड, क्लोरथायजाइड का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है एज दैट ऑफ डाइजोक्साइड। देन क्लोरथायजाइड कॉजेस डिक्रीज इन रिलीज ऑफ इंसुलिन, हाइपरग्लाइसेमिया कॉज कराता है क्लोरथायजाइड, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्लोरथायजाइड कॉजेस हाइपरग्लाइसेमिया, ये इंसुलिन के रिलीज को डिक्रीज कराता है जिससे होता है हाइपरग्लाइसेमिया, और ये एक्ट करता है ऑन डिस्टल ट्यूबुल, ऑल द थायजाइड डायुरेटिक्स एक्ट्स ऑन डिस्टल ट्यूबुल्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेंस सल्फा मॉइटी विद इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा ड्रग कंटेंस सल्फा मॉइटी विद इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर, तो ये होता है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड कंटेंस सल्फा मॉइटी विद इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड इट इन पेशेंट्स हु आर हैविंग सल्फा ड्रग एलर्जी, सल्फा ड्रग एलर्जी के पेशेंट्स में इसे अवॉइड किया जाता है बिकॉज इट कंटेन्स सल्फा मॉइटी विद इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। ठीक है, देन इनमें से कौन सा होता है मोस्ट यूजफुल डायुरेटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स, मोस्ट यूजफुल डायुरेटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट कैल्शियम स्टोन, तो ये भी होता है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड को यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स बिकॉज इट रिड्यूसेस कैल्शियम एक्सक्रीशन इन द यूरिन, ये कैल्शियम एक्सक्रीशन इन यूरिन को रिड्यूस कराता है, इसलिए इट इज मोस्ट यूजफुल डायुरेटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स। एंड हाइड्रोक्लोरोथायजाइड होता है कॉमनली यूज डायुरेटिक इन कॉम्बिनेशन विथ एंटी हाइपरटेंसिव, कॉमनली यूज डायुरेटिक इन कॉम्बिनेशन विथ एंटी हाइपरटेंसिव इज हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। ठीक है, डायुरेटिक्स के ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी अभी तक कभी ना कभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थियोफाइलिन इन ब्रोंकियल अस्थमा इज फॉस्फोडाइस्टरेज इनिबिशन, बीटा टू एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, इनिबिशन ऑफ म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थियोफाइलिन इन ब्रोंकियल अस्थमा? तो थियोफाइलिन होता है फॉस्फोडाइस्टरेज इनिबिटर, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थियोफाइलिन इन ब्रोंकियल अस्थमा इज फॉस्फोडाइस्टरेज इनिबिशन। ठीक है, ये थियोफाइलिन होता है नॉन सिलेक्टिव फॉस्फोडाइस्टरेज इनिबिटर, नॉन सिलेक्टिव पीडी इनिबिटर्स में आता है थियोफाइलिन, नॉन सिलेक्टिव फॉस्फोडाइस्टरेज इनिबिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। All the following viscosity builders have been used in ophthalmic solutions except methyl cellulose, polyvinyl alcohol, polyethylene glycols, Vigum. Viscosity builder have been used in ophthalmic solutions except. इनमें से कौन से viscosity builder को ophthalmic solutions में use नहीं करते? तो Vigum is not used in ophthalmic solutions. Option D will be your correct answer. Vigum. Next question. The tetracycline with highest antileprotic activity is minocycline, doxycycline, demiclocycline, oxytetracycline. The tetracycline with highest antileprotic activity. इनमें से कौन से tetracycline की होती है highest antileprotic activity? तो ये होती है minocycline की, option A हो जाएगा आपका correct answer. Minocycline has highest antileprotic activity. और ये minocycline होता है most potent tetracycline. मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन होता है मिनोसाइक्लिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे टेट्रासाइक्लिन्स को कौन से पेशेंट्स में अवॉइड किया जाता है? टेट्रासाइक्लिन शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट्स विद, तो टेट्रासाइक्लिन शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट्स विद लीवर डिसीज, लीवर डिसीज के पेशेंट्स में टेट्रासाइक्लिन्स को अवॉइड किया जाता है। देन ये टेट्रासाइक्लिन डिसकलरेशन ऑफ टीथ कॉज कराते हैं एंड इन्हें मिल्क के साथ में नहीं दिया जाता। Tetracyclines are not given with milk because insoluble chelates is formed. Then Fanconi's syndrome is produced by outdated and degraded tetracyclines. Fanconi's syndrome भी आपके examination point of view से most important है. Fanconi's syndrome is produced by outdated and degraded tetracyclines. ठीक है? Then अभी आप मुझे बताएंगे which of the following is a prophylactic agent used in the treatment of traveler's diarrhea. इनमें से कौन सा एजेंट यूज करते हैं एज ए प्रोफाइलैक्टिक एजेंट इन ट्रैवलर्स डायरिया? तो ये होता है डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन होता है प्रोफाइलैक्टिक एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरफेस एक्टिव एजेंट्स टेंड टू इनहेंस एब्जॉर्प्शन ड्यू टू इफेक्ट्स ऑन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, इफेक्ट्स ऑन डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग्स, रिडक्शन ऑफ इंटरफेशियल टेंशन, ऑल ऑफ द अबव। सरफेस एक्टिव एजेंट्स टेंड टू एनहेंस एब्जॉर्प्शन ड्यू टू, तो सरफेस एक्टिव एजेंट्स एनहेंस कराते हैं एब्जॉर्प्शन ड्यू टू इफेक्ट्स ऑन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, इफेक्ट्स ऑन डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग्स एंड रिडक्शन ऑफ इंटरफेशियल टेंशन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। सरफेस एक्टिव एजेंट्स टेंड टू एनहेंस एब्जॉर्प्शन ड्यू टू इफेक्ट्स ऑन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, इफेक्ट्स ऑन डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग्स एंड रिडक्शन ऑफ इंटरफेशियल टेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमनली यूज स्वीटनिंग एजेंट इन डेंटिफ्राइसिस इज सिरप्स, ग्लिसरीन, सैकेरिन और नन। तो इनमें से कौन सा है मोस्ट कॉमनली यूज स्वीटनिंग एजेंट इन डेंटिफ्राइसिस? तो ये होता है सैकेरिन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी ऑफ डैप्सोन इज मेथिमोग्लोबिनेमिया, हीमोलाइसिस, हेपेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। The most important dose dependent toxicity of dapsone. तो dapsone जो antileprotic drug होता है इनमें से कौन सी है उसकी most important dose dependent toxicity? तो यह होती है hemolysis. Option B हो जाएगा आपका correct answer. The most important dose dependent toxicity of dapsone is hemolysis. ठीक है, next question. Aqueous alcoholic solutions of volatile substances are aromatic waters, ऑक्सीमेल्स, स्पिरिट्स, टिंक्चर्स। एक्वस एल्कोहलिक सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस, तो किसका डेफिनेशन है ये एक्वस एल्कोहलिक सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस? तो ये होते हैं स्पिरिट्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्पिरिट्स होते हैं एक्वस एल्कोहलिक सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस। देन अभी आप मुझे बताएंगे टिंक्चर्स क्या होते हैं?
तो टिंचर्स होते हैं हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन कंटेनिंग थेरेप्यूटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग्स. टिंचर्स आर हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन कंटेनिंग थेरेप्यूटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग्स. ठीक है. एंड वॉट इज एरोमेटिक वाटर? तो एरोमेटिक वाटर्स आर एक्वस सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स. एरोमेटिक वाटर्स आर एक्वस सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजिबल सॉलिड इज मैग्नेशियम ट्राइसिलिकेट, लाइट कैओलिन, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑल ऑफ द अबव. इनमें से कौन सा है डिफ्यूजिबल सॉलिड? तो मैग्नेशियम ट्राइसिलिकेट, लाइट कैओलिन, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी होते हैं डिफ्यूजिबल सॉलिड्स. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द मल्टी ड्रग थेरेपी ऑफ लेप्रसी रिफाम्पिसिन इज गिवन डेली ऑन अल्टरनेट डेज, वीकली और मंथली. इन द मल्टी ड्रग थेरेपी ऑफ लेप्रसी रिफाम्पिसिन इज गिवन. तो कैसे देते हैं रिफाम्पिसिन को इन द मल्टी ड्रग थेरेपी ऑफ लेप्रसी? तो इसे देते हैं मंथली. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. इन द मल्टी ड्रग थेरेपी ऑफ लेप्रसी रिफाम्पिसिन इज गिवन मंथली. रिफाम्पिसिन का डोज होता है वंस अ मंथ इन MDT. मल्टी ड्रग थेरेपी में रिफाम्पिसिन का डोज होता है वंस ए मंथ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेमी सॉलिड इमल्शंस फॉर एक्सटर्नल यूज आर क्रीम्स, लोशंस, लिनिमेंट्स, ऑइंटमेंट्स. सेमी सॉलिड इमल्शंस फॉर एक्सटर्नल यूज, तो ये हो जाएंगे क्रीम्स. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. क्रीम्स होते हैं सेमी सॉलिड इमल्शंस फॉर एक्सटर्नल यूज. देन अभी आप मुझे बताएंगे कौन से इमल्शन टाइप में आते हैं क्रीम्स? तो क्रीम्स होते हैं वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन. रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन है क्रीम्स आर वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन. देन लिनिमेंट्स कौन से टाइप में आते हैं? तो लिनिमेंट्स होते हैं वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन. वाटर इन ऑयल टाइप में आते हैं लिनिमेंट्स. एंड ऑइंटमेंट्स होते हैं न्यूट्रल इमल्शंस. न्यूट्रल इमल्शंस होते हैं ऑइंटमेंट्स. ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ऑइंटमेंट्स. ऑइंटमेंट्स आर न्यूट्रल इमल्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू सिलेक्टिव एगोनिस्ट? फॉर्मेटेरॉल, आइसोप्रिनालिन, साल्बुटामॉल, इफेड्रिन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू सिलेक्टिव एगोनिस्ट? तो लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू सिलेक्टिव एगोनिस्ट होता है फॉर्मेटेरॉल. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. फॉर्मेटेरॉल होता है लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू सिलेक्टिव एगोनिस्ट. फॉर्मेटेरॉल, साल्मेटेरॉल ये होते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू सिलेक्टिव एगोनिस्ट. देन शॉर्ट एक्टिंग में कौन से आते हैं? शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट. तो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं टर्बुटालिन एंड साल्बुटामॉल. टर्बुटालिन, साल्बुटामॉल होते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू सिलेक्टिव एगोनिस्ट. एंड ये आइसोप्रिनालिन होता है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टॉपिकल यूज्ड कार्डियोवास्कुलर एजेंट इज नाइट्रोग्लिसरीन, डिगॉक्सिन, प्रोप्रानोलॉल, प्रोकेनामाइड. टॉपिकल यूज्ड कार्डियोवास्कुलर एजेंट, इनमें से कौन सा है टॉपिकल यूज्ड कार्डियोवास्कुलर एजेंट? तो ये होता है नाइट्रोग्लिसरीन. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नाइट्रोग्लिसरीन होता है टॉपिकल यूज्ड कार्डियोवास्कुलर एजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सस्पेंशन ऑफ फाइनली डिवाइडेड मटेरियल इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर आर सस्पेंशंस, मैग्माज, जेलीज और नन. तो क्या होते हैं सस्पेंशंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड मटेरियल इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर? तो इन्हें बोलते हैं मैग्माज. ऑप्शन बी, मैग्माज होते हैं सस्पेंशंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड मटेरियल इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन नॉर्मल सलाइन इज 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, 2.9% वेट बाय वॉल्यूम, 1.9% वेट बाय वॉल्यूम, 5% वेट बाय वॉल्यूम. तो कितना होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन? तो ये होता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी अस्थमा ड्रग इज नॉट ए ब्रोंकोडायलेटर? इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, थियोफाइलिन, फॉर्मेटेरॉल, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट. एंटी अस्थमेटिक ड्रग इज नॉट ए ब्रोंकोडायलेटर. इनमें से कौन सा एंटी अस्थमा ड्रग है विच इज नॉट ए ब्रोंकोडायलेटर? तो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट इज नॉट ए ब्रोंकोडायलेटर. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. सोडियम क्रोमोग्लाइकेट ब्रोंकोडायलेटर नहीं होता. ये सोडियम क्रोमोग्लाइकेट होता है मास सेल स्टेबिलाइजर. ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं बीटा टू एगोनिस्ट. बीटा टू एगोनिस्ट होते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स.
सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है मास्ट सेल स्टेबिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ एनियोनिक सर्फेक्टेंट इज सेट्रीमाइड, वुलफेट, गम, सोडियम लॉरिल सल्फेट। इनमें से कौन सा है एनियोनिक सर्फेक्टेंट? तो यह होता है सोडियम लॉरिल सल्फेट, ऑप्शन डी, सोडियम लॉरिल सल्फेट इज एनियोनिक सर्फेक्टेंट। अभी आप मुझे बताएंगे सेट्रीमाइड क्या है? तो सेट्रीमाइड होता है कैटियोनिक सर्फेक्टेंट। कैटियोनिक सर्फेक्टेंट्स में आते हैं सेट्रीमाइड एंड बेंजालकोनियम क्लोराइड। बेंजालकोनियम क्लोराइड एंड सेट्रीमाइड ये होते हैं कैटियोनिक सर्फेक्टेंट्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स कौन से है? तो ट्विन्स एंड स्पैन्स आर नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स। इनमें से स्पैन्स होते हैं हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट एंड ट्विन्स होते हैं हाइड्रोफोबिक सर्फेक्टेंट्स। हाइड्रोफोबिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं ट्विन्स एंड हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं स्पैन्स। देन वॉट इज वुलफैट? वॉट इज हाइड्रस वुलफैट? तो हाइड्रस वुलफैट होता है लैनोलिन। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है वॉट इज लैनोलिन? लैनोलिन इज हाइड्रस वुलफैट एंड लैनोलिन हाइड्रस वुलफैट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।